आईपीएल 2021 की तैयारी सभी टीम स्टार्ट कर चुकी है और आज हम बात करने वाले चार ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनको टीमें आगे से कांटेक्ट कर रही है और आईपीएल 2021 की मिनी ऑक्शन में टीमें उनको अपनी टीम में इंक्लूड करने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में और साथ ही में बात करेंगे कौन सी टीम गाइस उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो गाइस पूरी तरह से डिटेल्स में बात करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं श्रीशांत। जी हां गाइस, अब श्रीशांत 7 साल बाद आईपीएल 21 में वापसी करने वाले हैं एंड सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गाइस परफॉर्म कर रहे हैं एंड केरला की तरफ से गाइस वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे श्रीशांत की अगर हम लोग बात करें तो गाइस श्रीशांत के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में पूरी तरह से आ चुकी है तीन टीमें, जहाँ पे एक टीम निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, चेन्नई सुपर किंग की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस ये तीन टीमें पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में आ चुकी है, बट गाइस अभी तक की जो चांसेस हैं एंड जिसकी टीम में श्रीशांत आप सभी को जाते हुए देखने को मिल सकते हैं तो गाइस उस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ श्रीशांत की काफी अच्छी खातिरदारी है एंड गाइस यहाँ पे बहुत पहले से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इन कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है और श्रीशांत कोलकाता में जाके दो तीन बार यहाँ पे ट्रायल भी दे चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं एंड कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम श्रीशांत को 2021 के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाले हैं एंड इनके साथ यहाँ पे श्रीशांत के साथ बातचीत भी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तो गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर हम लोग बात करें तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को गेंदबाजी की काफी ज्यादा नीड है, इंडियन फास्ट बॉलर इनको चाहिए जो की एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी है और श्रीशांत के केकेआर की टीम में सही से बैठ सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है जे रिटर्डसन। जी हाँ गाइस, अब जे रिटर्डसन को गाइस यहाँ पे पूरी तरह से टारगेट कर रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम और चेन्नई सुपर किंग की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो कि इनके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रही है और गाइस इनके साथ बातचीत कर रही है और चेन्नई सुपर किंग की टीम गाइस यहाँ पे 2021 के मिनी ऑक्शन में इनको टारगेट करने वाली है और जे रिटर्डसन 2021 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं एंड इस साल के आईपीएल मिनी ऑक्शन में आने वाले हैं एंड चेन्नई सुपर किंग की टीम इनको अपने टीम में इंक्लूड करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है मिचेल स्टार्क। अब गाइस यहाँ पे मिचेल स्टार्क के पीछे गाइस यहाँ पे काफी सारे टीम यहाँ पे उनके पीछे लग चुकी है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस ये तीन टीम पूरी तरह से मिचेल स्टार्क के साथ कॉन्टैक्ट में है और गाइस यहाँ पे मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं ये तीनों टीमों। अगर हम लोग इन तीनों टीमों की बात करें तो इन तीनों टीमों को गाइस यहाँ पे मिचेल स्टार्क जिसे खिलाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को जरूरत है, ये बात सभी को पता है। अगर हम लोग बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम को तो चेन्नई सुपर किंग की टीम को उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डीजे ब्रावो इनका सही से फिट नहीं रहते तो इस टीम को भी गाइस यहाँ पे जरूरत है मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को, क्योंकि यहाँ पर डीजे ब्रावो अभी बहुत ज्यादा इंजर हो रहे तो इसी वजह से ये टीम भी एक अच्छे गेंदबाज को, क्वालिटी वाले गेंदबाज को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर हम लोग बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, इनके जितने सारे गेंदबाज हैं 2020 के आईपीएल में काफ़ी पिटाई पड़ी है एंड 2021 के आईपीएल में ये भी मिचेल स्टार्क को टारगेट करने वाली है और अभी से कांटेक्ट में आ चुकी है ये तीन टीमें मिचेल स्टार्क के। तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस चौथे और आखिरी जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है बांग्लादेश के सकीबुल हसन। सकीबुल हसन का एक साल का बैन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो कि सकीबुल हसन के साथ कॉन्टैक्ट में है और गाइस अब सकीबुल हसन को यहाँ पे टारगेट करने वाली है 2021 के मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने प्राइस भी सेट कर दिया 7 से 8 करोड़ रुपये यहाँ पे इनके ऊपर इन्वेस्ट करने वाली है।
आरसीबी की टीम। तो गाइस आरसीबी की टीम ने गाइस यहां पे पूरी तरह से कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है सकीबुल हसन के साथ, और 2021 के मिनी ऑक्शन में सकीबुल हसन को अपनी टीम में इंक्लूड करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस ये रहे ये चार खिलाड़ी, एंड इन चार खिलाड़ियों के साथ ये सारी टीमें कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन, तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।